बुक्स पढ़ने के जैसे ही मतलब मैं भी बहुत सारे जितने भी पैसे कमाया सब बुक की हेल्प से कमाया, तो 6 to 7 फिगर्स के अराउंड ही रहती है इनकम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ हैं सीकेन चैनल के फाउंडर जीशान भाई। वेलकम जीशान भाई, मेरे चैनल पर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, माय प्लेजर टू बी हियर। तो दोस्तों अब इनके बारे में मैं बता दूं, उससे पहले आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पे बुक्स सजा के रखी है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है? ये मैंने आइडिया दिया था भाई साहब, बुक समरीज करके बहुत पैसा छापते हैं, तो हमने फील लाने के लिए हमने बोला कि चलो थोड़े बुक्स ला लेते हैं। एक बार आप इंट्रो दे दीजिए अपने बारे में कि आप क्या क्या चीज़ें करते हैं और कैसे आपने शुरुआत करी थी अपनी जर्नी। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करें तो मैं एक इंजीनियर हूँ, मतलब मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करी। तब तो आज का जो इंटरव्यू है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो इंजीनियर, तुम इंजीनियर ना, मैं अभी मतलब इतना कॉमन हो गया है ना, सच बोले तो तुम कोई भी इवेंट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, सिर्फ जाके पूछ लेना यहाँ पे कितने इंजीनियर्स मौजूद है और बोलना हाथ उठाओ, तो मैं पक्का बोलता हूँ आधे से ज्यादा लोग आपको इंजीनियर ही मिलेंगे। और इंजीनियरिंग इतना कॉमन हो गया ना कि अभी मेरे जो एडिटर्स जो आते हैं, ज्यादातर जो एडिटर के जॉब मतलब इंटरव्यू के लिए आते हैं या कंटेंट राइटर, तुम कहीं भी देखोगे ना सबका प्रोफेशन कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग रहती है। और ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन माइंड सेट है, मेरे हिसाब से इंजीनियर इंजीनियरिंग के अलावा सब चीजें कर सकता है। हाँ ये एकदम सही है कि एक इंजीनियर बहुत कुछ बन सकता है सिवाय इंजीनियरिंग के, सिवाय एक अच्छा इंजीनियर बनने के वो बहुत कुछ कर सकता है। वो कंटेंट राइटर बन सकता है, वीडियो एडिटर बन सकता है, मेरे जैसा यूट्यूबर बन सकता है, सतीश भाई जैसा यूट्यूबर बन सकता है, बट एक अच्छा इंजीनियर नहीं रहेगा ये पक्का है। तो ये मतलब मैं भी कैसा बंदा, थोड़ा बहुत समझदार है, थोड़ा अच्छे मार्क्स है तो साइंस ले लिए। साइंस में आप क्या ले सकते हैं, डॉक्टर करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं डॉक्टर बनने के लिए, और उससे एक छोटा सा अगर देखा जाए मतलब कम नीचे एक इंजीनियर है, इंजीनियरिंग कर लो हो भी जाता है और बन जाओगे तो इंजीनियर शायद बहुत पैसे मिलेंगे सबके। हमारे एटलीस्ट हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं वो लोग के दिमाग में ये रहता है कि इंजीनियर बन जाओगे तो बहुत पैसे छापने वाले हो तुम। मैंने भी यही सोच के इंजीनियरिंग कर ली, बट जब मुझे मतलब मैं जब अपने थर्ड ईयर में था तब मैं डांस ग्रुप में भी था, हम लोग एक डांस ग्रुप था कॉलेज में, मेरे को डांस पसंद था तब, अभी भी पसंद है बट अभी करता नहीं उतना। तो तब कैसा था, हम लोग का जो ग्रुप था उसमें कई सीनियर्स भी थे फोर्थ ईयर वाले, जो लोग अच्छे पढ़ाई में थे, और मैंने एक चीज़ वो लोग से नोटिस करी सीखी कि वो लोग अच्छे मार्क्स लाने के बाद, बहुत अच्छे मार्क्स लाते थे, बहुत अच्छे इंजीनियर भी थे, फिर भी वो लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही थी। मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकॉम के थे बट वो लोग को जॉब मिल रही थी आईटी सेक्टर में। देखो ये चीज़ समझ में आ गई थी कि मैं भी जो कर रहा हूँ वो कुछ अच्छा तो कर रहा नहीं हूँ, मैं एक अच्छा इंजीनियर हूँ नहीं। थर्ड ईयर में वो समझ में आ गया था, सिर्फ हम क्या करते थे एग्जाम से पहले 5 दिन जो छुट्टी मिलती थी उसी में पढ़ाई करते थे, उसमें ही पढ़ाई करते थे और कैसे कैसे निकल जाते थे, मार्क्स अच्छे आ जाते थे, बट अंदर से पता था कि भाई इंजीनियर अच्छे हैं नहीं हम। तो मैंने डिसाइड किया था लोग कुछ और करते हैं, मैं देखने लगा कि कैसे लोग लाइफ में सक्सेसफुल बनते हैं, जो जितने भी बड़े लोग हैं। तो मेरे को कॉमन पैटर्न दिखा, एक कॉमन पैटर्न ये दिखा कि ज़्यादातर लोग सब बिजनेसमैन थे। आप खुद ही देख लो, मतलब बहुत से लोग, आप कितने मतलब जानते होंगे जो लोग जॉब करके बिलियनर बने या मिलियनर बने, बस एक ही दो नाम आता है, सुंदर पिचाई और सुंदर पिचाई एक सीईओ, वो भी अभी रिसेंटली सुंदर पिचाई का नाम क्योंकि वो फेमस हो गया तो आते मेरे दिमाग में भी आया सुंदर पिचाई, वरना उसको छोड़ दो तो कोई। और अगर मैं पूछूं कितने बिलियनर बिजनेस करके बने तो काफी सारे नाम है, सबसे इंडिया में कितने सारे ऐसे जो उन्होंने पढ़ाई कम करी है लेकिन बिलियनर्स है। तो वही मतलब समझ में आता है कि भाई कहीं ना पैसे कमाना है तो बिजनेस करना चाहिए, और फिर मैंने देखा चलो ठीक है मेरे को समझ में आ गया बिजनेस करना चाहिए। अब बिजनेसमैन लोगों ने मैंने देखा कि बिजनेस में कैसे आगे बढ़ते लोग, तो जितने भी सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उन लोग सबके अंदर एक हैबिट है, वो है बुक पढ़ने की। ओके, आपको देखो बिल गेट्स का एक पूरा बुक क्लब है, बिल गेट्स के बारे में सुना हुआ कि रोज एक घंटा पढ़ते हैं। हाँ हर दिन बिल गेट्स पढ़ते हैं, वॉरेन बफेट पढ़ते हैं, अपना मार्क ज़करबर्ग पढ़ते हैं, इलॉन मस्क पढ़ते हैं, जितने भी फेमस नाम आप जाके ढूंढ लो अपना इंडियन में भी कितने लोग, शाहरुख खान और जितने भी काफ़ी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना आप देखोगे तो सबके अंदर ना ज़्यादातर ये कॉमन हैबिट है कि वो लोग बुक रीड करते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों को मालूम है कि अगर लोगों को लाइफ में आगे बढ़ना है तो सीखते रहना चाहिए, हमारे दिमाग को डेवलप करना चाहिए, हमारी मेंटालिटी बदलते रहना चाहिए, इंप्रूव होते रहना चाहिए, और ये जो बुक्स होती है ना बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करती है इंप्रूव होने में। सो मैंने सोचा चलो यही स्ट्रीट मैं भी करता हूँ, मैं भी उनकी हैबिट को अपने अंदर डालता हूँ। मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया और धीरे धीरे सच बोलूँ तो मेरी जो पहली बुक थी मैंने जो पढ़ा था वो रिच डैड पुअर डैड थी, पता है? रिच डैड पुअर डैड भी मेरी पहली बुक है। हाँ एंड इवन जो भी सजेस्ट करता है कि अगर बुक्स पढ़ना शुरू करना चाहते हैं तो इसी से शुरुआत करो। हाँ हाँ राइट। तो उस मैं एक चीज उसमें बोलना चाहूंगा, हाँ वो बुक ज्यादातर इसलिए लोग रिकमेंड करते हैं ना क्योंकि हमें ना बचपन से पैसों के बारे में बताया ही नहीं गया है। राइट एंड पैसों की जो असली समझ है ना उस बुक को पढ़ने के बाद आती है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मतलब अगर किसी को थोड़ी बहुत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी तो मेरे हिसाब से वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ना बहुत जरूरी है। अगेन वो बात कैसे होती है कि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स सही बोल रहा है,
हर चीज जो वो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने एक्सपीरियंस लिया है। बट कई बार, बट वो बुक पढ़ने के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं, शायद वो कहीं ना कहीं गलत है। और क्योंकि उन रिच डैड पुअर डैड में भी बताया गया कि उनके एक रिच डैड थे और एक पुअर डैड, पुअर डैड जो थे वो उनके रियल डैड थे, बट उनके जो दोस्त के फादर थे वो रिच डैड, वो एक्चुअल में अमीर थे, उन्होंने उनकी बातें ही फॉलो करी और इसीलिए वो खुद मिलियनर बने। तो उधर से हमें समझ में आता है कि वो उस बुक के अंदर ही बताते हैं कि फॉल्ट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे पेरेंट्स की भी मतलब है, ये उनको खुद को नहीं पता है कि कैसे अमीर बनना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हम उनसे सीख रहे हैं जिन्हें खुद नहीं पता है कि कैसे अमीर बनना चाहिए, इसीलिए ज़्यादातर लोग खुद अमीर नहीं है। और अगर हम ऐसे लोगों से सीखना स्टार्ट किए जो खुद अमीर है, खुद अपनी लाइफ में बहुत आगे हैं, तो हमारे लिए कैसा शॉर्टकट मिल जाता है सक्सेस तक पहुँचने का। और बुक कहीं ना कहीं वो चीज़ हेल्प करती है, वो बुक भी यही हेल्प करती है एक्चुअली। क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी बुक में किसी जिसने भी लिखा है उसके पूरी लाइफ की जो निचोड़ होता है वो उस बुक में होता है, राइट exactly. यानी कि आप एक महीने के भीतर ही आप उसके पूरी लाइफ की चीजें जान सकते हैं। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बोला जाता है ना कि बुक क्यों पढ़ना चाहिए। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि आप काम करो, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। तो लेकिन एक कोट है, मैंने किसी का तो पढ़ा था, आप कमेंट करके बता सकते हो कोट किसका था, कि फेलियर से सीखना अच्छी बात है, बट ये किसने भी नहीं बोला कि वो फेलियर्स आपके ही होने चाहिए, ठीक है। और बुक से आपको क्या क्या बोलता है कि कई बार जो बंदा रहता है उसने अपनी पूरी जिंदगी जी है, कई बार उसको फेलियर्स दिखे होंगे, कई बार उसे सक्सेस मिली है, वो बंदे का पूरा लाइफ का जो भी उसने सीखा है, चाहे वो फेलियर्स हो चाहे वो सक्सेस हो, वो सारे का निचोड़ आपको एक बार एक पूरी बुक पढ़ के मिल जाता है। मतलब उसके 60 साल की जो उम्र में उसने पूरा 60 साल जी के सीखी है वो हमें सिर्फ एक महीने के अंदर ही, मतलब जितने देर में आप पढ़ लो उतना। इसीलिए तो एक इंटरव्यू हुआ था जिसके अंदर बिल गेट्स और वॉरेन बफेट का इंटरव्यू लिया गया था, तो उनसे पूछा गया था कि आप लोगों को मतलब अगर एक सुपर पावर आए आपके पास तो वो सुपर पावर आप कौन सी लेना पसंद करोगे। तो दोनों ने एक ही सेम जवाब दिया, द पावर टू रीड सुपर फास्ट। मतलब अगर मेरे को कोई सुपर, उन दोनों को सुपर पावर ये चाहिए थी कि वो लोग जल्दी से जल्दी बुक पढ़ सके, उन लोगों को ये चाहिए। ऐसा बुक को ऐसा किया चिट्टी जैसा, चिट्टी शायद चिट्टी करता है, क्रिश में, क्रिश में, अच्छा हम ऐसा क्रिश में करता है ऐसा, वो एक्चुअली में वही सुपर पावर लोग का अभी इतना मुझे पता नहीं, क्रिश में भी शायद एक है कि जहाँ पे बुक पढ़ लेता है, और जो चीटी बोल रहे हैं आप उसने भी रोबोट में ऐसा किया हुआ था शायद। हाँ। चलिए अभी बात करते हैं जीशान भाई, मैं आपको यहाँ से काट रहा हूँ। हाँ। मैं अभी जानना चाहूंगा कि आप इस समय अभी क्या क्या चीजें कर रहे हैं राइट नाउ। जैसे कि मेरे दो यूट्यूब चैनल है, एक सीकेन है, एक सीकेन जिज्ञासा है, एक्चुअली तीन है, अभी नया चैनल भी जीशान शेख कंपटीशन में है भाई, जीशान शेख भी चैनल है, बट उस पर चैनल्स यूट्यूब पे, यूट्यूब तो एक तरीका है हमारा अर्न करने का। सेकंड ये कि मेरा एक कोर्स है हाउ टू फाइंड योर पैशन। मतलब जहाँ तक मुझे पता चला है कि लोग ज़्यादातर अपनी लाइफ में पीछे हैं, रीज़न ये है कि लोग की लाइफ में बहुत कंफ्यूजन है, वो लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि लोगों को करना क्या है। हाँ। तो लोग कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कि हम ही कुछ भी करें, इंजीनियर कर लिए, बहुत सारा टाइम लगा दिए, फिर बाद में पता चला ये नहीं करना था, हम तो कुछ और करना था, तो अब हम वो करना चालू कर दिया। तो मेरे को लगा, मुझे पता चला कि मेन जो क्वेश्चन एक इंसान का होना चाहिए वो ये है कि हमें करना क्या चाहिए, और वो करना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो आंसर ज़्यादातर वो होता है, स्टीव जॉब्स भी बोलते हैं कि आपको कोई काम करना है तो वो करो जिसमें आपका पैशन हो, जिसमें आप रोज़ सुबह उठे हो तो आपके अंदर जोश हो वो काम करने का। तो मैंने इसीलिए सोचा कि पैशन के ऊपर कोर्स बनाते हैं। तो मैंने जितनी भी सारी बुक्स पढ़ी थी सब में से कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली थी पैशन से रिलेटेड, तो मैंने वो सारी चीज़ को कंपाइल करी और एक पैशन कोर्स बना दिया लोगों को क्लैरिटी देने के लिए कि उनको लाइफ में करना क्या चाहिए, उससे उन्हें पता चलेगा कि उनका पैशन क्या है। तो वो एक मेरा कोर्स है। और दूसरा हमारा एक मिशन अभी आप जिसके अंदर सतीश भाई भी ज्वाइन हुए थे, मिशन प्लांट वन प्लांट का, जो कि एक सोशल कॉज के लिए है। लाइक आपको पता ही होगा कि अभी हालत कितनी खराब चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, आपको पता है ना अभी कितना सीन है, ऑस्ट्रेलिया में आग लग गई, 480 मिलियन मैमल्स मरे हैं उसके अंदर, हंड्रेड ऑफ इंसान लोगों की मौत हुई है। और आप भी देखोगे अभी अचानक से ठंडी पड़ती है, अचानक गर्मी पड़ती है, टेम्परेचर ये सब देखेंगे तो जो सब कहीं ना कहीं हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं पेड़ कम है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने एक मिशन चालू किया है प्लांट वन प्लांट का, जिसमें सतीश भाई हमारे साथ है, जहां हम ये मिशन मतलब हमारा ये मिशन है कि हम 1 करोड़ ट्रीज लगाएंगे पूरे इंडिया में। तो वो एक चीज़ चल रही है सोशल कॉज, उसके ऊपर भी काम चालू है। इवन मैं भी बोलना चाहूँगा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और आपने सुन लिया कि 1 करोड़ पेड़ लगाने का हमने वो लिया है मिशन, जो टारगेट हमने लिया है, तो आप भी इसमें मदद कर सकते हैं। आप भी जहाँ पर हैं आप वहाँ पर पेड़ लगा सकते हैं और उसकी सेल्फीज अपलोड कर सकते हैं आप सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, और हमें टैग कर सकते हो प्लांट वन प्लांट करके, फॉलो करो सतीश भाई भी बताएगा जैसे उसके ऊपर भी काम चल रहा है, कुछ भी अपडेट होगा तो सतीश भाई जरूर आपको बताएंगे क्या अपडेट है उसका। ओके, तो जीशान भाई आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो अकेले तो अभी कर रहे हैं कि आपके साथ और लोग भी हैं? जो मेन कोर टीम है अभी मेरे साथ 4-5 लोग होंगे, 5 से 6 लोग होंगे जो ज़्यादा ऐसे हैं, बाकी फ्रीलांसर्स तो काफ़ी काम कराते रहते हैं हम कंटेंट राइटिंग ये सब चीज़ के लिए। तो लेकिन मेन हमारी टीम 5 लोगों की है समझा बोल सकते हो।
अच्छा, 5 लोग अभी आपके साथ काम कर रहे हैं। हाँ, रेवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या है अभी फिलहाल? रेवेन्यू सोर्सेज बताया ना, जैसे मैंने यूट्यूब एक चैनल हम लोग का रेवेन्यू सोर्स, उधर से कभी अलग अलग होता है, उसमें एफिलिएट होता है जैसे कि आपको पता ही होगा, पेड प्रमोशंस होते हैं, और फिर अपना नॉर्मल गूगल एडसेंस तो होता ही है, फिर दूसरा जो है कोर्स का मैंने बताया, हमारी वेबसाइट है seeken.org, वहाँ से हम अपनी वेबसाइट के थ्रू हम ऑडिबल को प्रमोट करते हैं। मतलब कितना बन जाता है? एक्चुअली हमारे चैनल का वो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हमेशा ये सबका सबसे मेन भाई बात, ये सब छोड़ो, ये बताओ पैसे कितने कमाते हैं? पैसे कितने कमाते हैं? घुमा फिरा के छोड़ो, घुमा फिरा के ये सब छोड़ो, क्या पैसे सीधा मुद्दे पे आते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है, और मैं सच बोल रहा हूँ कि ये बुक्स पढ़ने के जैसे ही, मतलब मैं भी बहुत सारे जितने भी पैसे कमाया सब बुक के हेल्प से कमाया, तो 6 to 7 फिगर्स के अराउंड ही रहती है इनकम, मतलब 6 से चालू करो, अब वेरिएबल होती है हमेशा, रुपीस में ना? हाँ, रुपीस की डॉलर? हाँ, डॉलर नहीं भाई, डॉलर होता तो फिर अभी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाता फिर कुछ। मैं चाहूँगा कि आप अपने व्यूअर्स को मतलब सजेस्ट करें कि आप अगर आपकी लाइफ में चेंजेस लाना है तो सच बात है बुक पढ़ो, क्योंकि उससे सच में आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कभी कभी हमें लगता है कि बुक्स पढ़ने का टाइम नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इनके चैनल पर जाओ, ये बुक की समरीज करते हैं जो उसका निचोड़ होता है 10 मिनट 12 मिनट की वीडियोज में बता देते हैं। मेरा चैनल ऐसे कई चैनल है जिसमें आपको बुक समरीज मिल जाएगी, बुक समरी देख लो, और बट ऐसा मत सोचना कि आप बुक समरी देख रहे हो तो मतलब आपने बुक पढ़ ली। बहुत से लोग लगता है बुक समरी देख मतलब हो गया, बुक समरी से आप सिर्फ देखो कि वो बुक क्या सिखा रही है, अगर पसंद आती है तो मैं ट्राई करो, जरूरी नहीं है बट ट्राई करो कि आप उस बुक को सुन लो, उसकी ऑडियो बुक निकाल लो, पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। जीशान भाई, मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, जब मैं कॉलेज में था तो वैसे ही पढ़ना पढ़ने का मन नहीं करता। हाँ, राइट। फिर सोचते हैं यार कि कॉलेज मैंने किया, 50 सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग में, जैसा कि आपको पता होगा। उसके बाद जब मैं जब किसी से सुनता था सब बोलते थे यार बुक्स पढ़ो बुक्स पढ़ो, मेरे को इतना बुरा लगता था, साला इतना तो पढ़ के आए अपन, अभी वापस बुक्स पढ़ो, मतलब लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो बुक्स पढ़ो, ऐसा सुनने में आता है जैसा कि आपने बताया। तो फिर मैं बोला था चलो ठीक है एक बार देख ही लेते हैं, तो सबसे पहले मैंने 4-5 बुक्स मैंने मंगाई, रिच डैड पुअर डैड, थिंक ग्रो एंड रिच, एंड सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड्स, और इसमें और कोई अमेरिका रहस्य, ये तो हो गया ना, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, तो ये 5 बुक्स मैंने मंगाई। एंड लिटरली मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और मेरे लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो गए, पैराडाइम शिफ्ट आया होगा। मेरे को लगता है कि मतलब हमारी जो थिंकिंग पैटर्न होता है ना, कई बार ऐसा नॉर्मल सा चलता रहता है, बट ऐसे अगर आप एक बार बुक पढ़ते हो ना तो वो थिंकिंग पैटर्न ही चेंज हो जाता है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं ना पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है। मेरी लाइफ में भी ऐसी बात है, जब मैंने बुक पढ़ा था ना तो पैराडाइम शिफ्ट आ गया था कि यार ये क्या है, लाइबिलिटीज एसेड, इतनी एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक है एकदम, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस, नॉर्मल सी चीज़ है, बट हाँ सोचने वाली बात है कि हम एसेड क्यों नहीं बनाते, क्यों हम हमेशा लायबिलिटी खरीदते हैं, शो ऑफ पे क्यों रहते हैं हमेशा। हाँ, मतलब समझ में आता है कि हाँ सही बंदा, क्या सही बात बोला उसने, और ऐसा चालू कर देते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन भटक गया, क्वेश्चन क्या बोलता था? मैं ये बोलना चाह रहा था कि जो लोग ये सोचते हैं कि बुक्स पढ़ना थोड़ा टाइम टेकिंग है, राइट, चैनल पे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन मतलब मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बना देना क्वेश्चन कि मतलब यही बुक पढ़, सब बोलते हैं बुक पढ़ो, लेकिन हम लोग बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ। तो इसका रीज़न मेरे हिसाब से ना कहीं हमारा जो वाई होता है ना, हर चीज़ के पीछे तुम्हारा वाई होता है, कोई भी चीज़ तुम करते हो तो उसके पीछे क्यों कर रहे हो। ज़्यादातर हमें जो स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, पढ़ रहे हो, वो तो हमें फोर्सफुली कराया जाता है कि पढ़ भाई पढ़, तेरे को जॉब लगेगी, ये होगा वो होगा, वो उनका वाई था जो सही था या नहीं था। अभी रीज़न कैसा है ना, अभी हम लोग, मैं अगर आपको बोल रहा हूँ बुक पढ़ना है तो वो क्यों पढ़ रहे हो, अब आप क्लियर कर लो कि मुझे अमीर बनना है इसीलिए मैं बुक पढ़ना है। अगर आप लोगों को वो जो फैंसी कार्स देखते हो, आप सोशल मीडिया पे जाते हो चेक करते हो लैम्बोर्गिनी या फिर जो भी फरारी और बड़े बड़े बंगले और बहुत सी लड़कियाँ, बहुत सी अच्छी लैविशिंग लाइफ दिखती है ना आप लोगों को, अब वो दिमाग से कनेक्ट करो कि वो जो लैविशिंग लाइफ है ना वो मिलने का तरीका है ये बुक। अगर मैं ये बुक पढ़ूंगा तो वो सारी चीज़ें मुझे मिलेगी, तो जब वो तुम्हारा वाई कनेक्ट हो जाएगा ना बुक रीडिंग से, तो तुम्हारे लिए बुक पढ़ना आसान होगा। अच्छा, आपको कहाँ से आइडिया आया था कि बुक्स मैं पढ़ूंगा? मैंने बस यूट्यूब पे जैसे नॉर्मली स्क्रॉल करते हैं, हज़ारों चीज़ देखते हैं, तो वही मैंने एक दिन, मैं बताया ना आपको, मैं मुझे पता चला था कि बिजनेस करने से इंसान अमीर होता है, ये आंसर मेरे को फाइंड आउट हुआ था कि बिजनेस करने से अमीर होते हैं, तो फिर मैंने बिजनेस के बारे में सर्च करना स्टार्ट किया कि कैसे बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसके अंदर मेरे को एक वीडियो मिला कि यू शुड रीड, और उसके अंदर है ना उस बंदे ने जो यूट्यूबर था या जो था मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, उसने 3 बुक सजेस्ट किया था कि तुम इससे स्टार्ट करो, एक रिच डैड पुअर डैड थी, एक रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन थी, और एक थी द थिंग्स विच आई डिडंट लर्न इन स्कूल एंड आई विश आई कुड, ऐसा कुछ था बुक। तो ये 3 बुक मैंने स्टार्ट करी रीड करना, रिच डैड से स्टार्ट किया, रिच डैड पढ़ा,
वहीं से मेरे अंदर मैं हुक्ड हो गया, मैं समझ गया भाई ये बहुत सही है बुक पढ़ना, बुक पढ़ना चालू करो, वहीं से मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट करा। अच्छा ज़ीशान भाई, चलिए भाई एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। देखिए सबके लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, इवन ये मेरा सबसे ज्यादा सवाल पूछा हुआ सवाल है, हर लोगों से मैं पूछता रहता हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़े बहुत कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस आता है मेरे माइंड पे। आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं? बुक्स। मेरी लाइफ में एक टाइम था जब घर पे बहुत सारी सिचुएशंस थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में मेरे को आता था, तो तब मैंने ना एक बुक पढ़ी थी, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, पता है आपको? बुक का नाम पता है, डेल कार्नेगी की है। वो पढ़ा नहीं है मैंने, जिसकी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, आपने कहा है ना ये, इसके जो ऑथर है डेल कार्नेगी, उनकी एक बुक है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, बहुत अच्छी बुक है, मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो मेरे को हर इंसान को पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस डिप्रेशन ये सारी चीज़ें हर इंसान की लाइफ में आती है, तो वो बुक सिखाती है कि कैसे आप स्ट्रेस से करो। देखो मेरी लाइफ में भी स्ट्रेस आता है, और ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेस आया तो वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, चुटकी में तो नहीं खत्म होता, बट कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं जिससे आप अपने आप को डाइवर्ट कर सकते हो, उनसे लड़ सकते हो, उनसे ऊपर आ सकते हो। तो डेल कार्नेगी ने वो उस बुक में यही सब चीज़ें सिखाई है कि कैसे आप कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट में, जैसा कि बेसिकली लिव इन द प्रेजेंट टाइप ऑफ चीज़ों में कैसे अपने आपको बिजी रखना चाहिए, बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हो। और आप अपने वीडियोस में अपना फेस क्यों नहीं दिखाते हो? बहुत कम ऐसी वीडियोस है जिसमें आपका फेस है। तो ये मेरी गलती है। ये आपने ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं दिया। हाँ ये सतीश भाई एकदम सही बोले, ब्रांडिंग पे ध्यान नहीं दिया मैंने, अभी मैं फेस लाना स्टार्ट कर रहा हूँ, डालूंगा और यूट्यूब पे डालता हूँ, मैं वीडियोस डालता हूँ फेस वाले भी, बट कम डालता हूँ, अभी कुछ उसको इंटीग्रेट करना है। स्टार्टिंग में कैसा था, पहले स्टार्टिंग में क्यों नहीं डालता था फेस, क्योंकि तब कैमरा ही नहीं था। ओके तो मैं अपने घर से, छोटे से घर से हम लोग करते थे, मैं हम लोग कैमरा ही करता था, तो बुक पढ़ा उसमें मैंने सिर्फ, मेरा जो पहला इन्वेस्टमेंट था टाइटल कि 5,000 से स्टार्ट किया आज लाखों कमा रहे ये एक टाइटल आपको मिल गया, मैंने स्टार्ट किया था 5,000 से, 5,000 का सिर्फ मैंने एक सैमसंग गो माइक था मेरे पास, वो लिया मैंने, खरीदा हमने खरीदे, मैं नहीं खरीदा, मेरे एक दोस्त से मैंने, तब तो मेरे पास मतलब पैसे थे, बट स्टिल मैंने ऐसी मज़े के लिए ना मेरे दोस्त को बोला काम कर मेरे में इन्वेस्ट कर दो, मेरे को 1,000 रुपया दे, तब वो जॉब कर रहा था, और मैं जॉब नहीं करता, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने मुझे 1,000 रुपया दिया, मेरे पास शायद 4,000 मैंने अपने मिलाया, 5,000 का मैंने एक सैमसंग छोटा सा गो माइक लिया, और मुझे पता था कि ये बुक बहुत वैल्यूबल चीज़ है, और इंडिया में बुक पढ़ने की मतलब है ही नहीं, शौक पता ही नहीं है लोगों को कि बुक क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लोग पढ़े, मतलब लाइफ चेंज करना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, तो मेरे को दिखा कि हाँ इंडिया में बहुत अच्छा मार्केट है जहाँ पे हम बता सकते हैं लोगों को वैल्यू। बाहर आप देखोगे US, चाइना, ये सब हर जगह ना बहुत ज़्यादा बुक्स फेमस होती है। आई थिंक एक ये है पीटर थील करके एक ऑथर है जिन्होंने पेपाल फॉर्म करा था, इलॉन मस्क लोगों के साथ काम करते थे, तो उन्होंने एक शॉकिंग चीज़ एक इंटरव्यू में बोला था कि चाइना में अगर देखोगे ना उनकी खुद की बुक चाइना में बहुत ज़्यादा बिकी, उसके कंपैरिजन में ना शायद से इंडिया में 1% भी नहीं बिकी उनकी बुक, और ये चीज़ कितनी डिस्टर्बिंग थी, उनको लगा कि ऐसा क्यों। तो कहीं ना कहीं हम इंडियंस को पता ही नहीं है कि बुक की वैल्यू क्या है, राइट। सो मैं समझा कि हाँ लोगों को बुक की वैल्यू बताना पड़ेगा, तो मैंने वही बुक की वैल्यू एक एनिमेशन फॉर्मेट में स्टार्ट कर दिया, लोगों को सच में पता चला, रिच डैड पुअर डैड के ऊपर ही मैंने अपनी पहली मतलब हिंदी में जो बनाया ना वीडियो वो डाला, लोगों को बहुत पसंद आया, और फिर धीरे धीरे लोगों को बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो रहा है। आपको लगा कब कि जो टॉपिक मैंने चुना है अपने यूट्यूब चैनल के लिए वो मेरे लिए लॉन्ग टर्म हो सकता है, आपने कब सोचा ऐसा? स्टार्टिंग में मेरे को ना सच में, जब अभी कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपका चैनल क्यों चल रहा है, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि आपके वीडियो से कुछ अच्छा सीखने मिलने वाला है जिससे उनकी लाइफ इंप्रूव होगी, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहे हो। मेरे को इस चीज़ स्टार्टिंग में ही समझ में आ गया कि बुक, पहली बुक रिच डैड पुअर डैड पढ़ते साथ ही मुझे समझ में आ गया था यार ये बुक ने मेरे लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर दी है, एक छोटा सा चीज़ समझा के, मतलब वैसे तो बहुत सी चीज़ है बट एक चीज़ समझा दी है, तो अब मैं क्या करूँगा, अपनी लाइफ में एसेट्स बनाना स्टार्ट करूँगा, तो मेरी लाइफ में कितनी ज़्यादा वैल्यू ऐड हो गई, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बदल रहा हूँ उस बुक के थ्रू में, तो मुझे पता चल गया था कि बुक में बहुत वैल्यू है, और यही वैल्यू अगर मैं व्यूवर्स तक पहुँचाऊँगा, उनकी लाइफ को चेंज करूंगा, फिर चाहे वो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ या कोई भी हो, वो अगर मैं करना चालू करूंगा तो पक्का चलेगा ही चलेगा, और वो चला ही चला, और तभी मेरे को समझ में आ गया था कि मैं यही चीज़ करने वाला हूँ, मेरे को पसंद है। अच्छा जब मेरे को ना समझाना, अभी आप देख ही रहोगे मैं कितना सारा बोल रहा हूँ, मेरे को बोलना पसंद है, मैंने रियलाइज़ की कि मेरे को चीज़ें समझाना पसंद है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ना जब इंजीनियरिंग ख़त्म हुई थी ना तब यूट्यूब चैनल भी था, बट फिर मैं ट्यूशन भी थोड़ा बहुत पढ़ाता था क्योंकि मेरे को समझाना अच्छा लगता है चीज़ें, बट तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं स्टूडेंट्स को क्या पढ़ा रहा हूँ यार, ये एक ऐसी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो लोगों के भी फ्यूचर में काम नहीं आने वाली है, रेयरली बहुत कम परसेंटेज चांस है कि आज मैं जो इतना मेहनत करके लोगों को पढ़ा रहा हूँ वो लोग को फ्यूचर में सच में काम भी आएगा, आज पढ़ रहे हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, कल भूल जाएंगे,
बट ये जो फिर जब मैं बुक, लेकिन दूसरी तरफ जब मैं देख रहा था कि ये जो मैं बुक की बात बता रहा हूँ, जो वीडियो में बना रहा हूँ, ये चीज़ वो अगर एक बंदा जो 10 मिनट की अगर समरी देख रहा है उसमें से अगर कोई एक बात भी अच्छी वो पकड़ ले और उसको पूरी ज़िंदगी अगर लगाएगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। सही बात है। तो वहीं मेरे को रियलाइज़ हुआ कि यार कितना डिफरेंस है दोनों चीज़ में। तो मैंने इसीलिए इस पर फिर पूरा फोकस करना स्टार्ट किया कि ऐसा कुछ सिखाओ जो सच में लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। नहीं, बहुत कुछ। और ये सारी बिजनेस, जितने भी आप बिजनेस बुक भी पढ़ोगे ना ज़्यादातर, तो उसके अंदर भी यही चीज़ सिखाया जाता है कि अगर आपको अच्छा बिजनेसमैन बनना है, कुछ अच्छा करना है, तो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो। जितना ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करोगे, दो चीज़ है, कितना ज़्यादा आप वैल्यू ऐड करते हो और कितनी ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आप वैल्यू ऐड करते हो। मैं ट्यूशन में पढ़ा रहा था मैं कुछ लोगों को पढ़ा रहा था, थोड़ी वैल्यू दे रहा था, उसके हिसाब से मुझे थोड़े पैसे मिल रहे थे। लेकिन YouTube पे मैं बहुत सारे लोगों को सिखा रहा हूँ और बहुत वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, इसके वजह से मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। अब यही चीज़ को मैं जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और आप भी जितना ज़्यादा, आप जितने ज़्यादा लोग तक हम पहुँच सकते हैं उतना पैसे मिलेंगे। पैसे कमाने का सिंपल सा फॉर्मूला है। इस बात पर लाइक बनना चाहिए। टिंग। और बहुत बहुत बधाई, आपने भी घर लिया मुंबई में। राइट राइट। एंड शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो सतीश भाई के घर में ही अभी हम शूट कर रहे हैं। मेरे को इधर आके बहुत अच्छा लगा। सतीश भाई ने, मतलब इनका मैंने वीडियो देखा था कि आई हैव बॉट माय होम फ्रॉम माय यूट्यूब मनी, ऐसा था ना? यूट्यूब मनी नहीं लिखा था, मतलब मैंने माई ड्रीम हाउस इन मुंबई ऐसा। हाँ हाँ। तो तब मैं सतीश भाई से तब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुआ कि क्योंकि मैंने भी सेम, मैं भी सच बोलूँ तो मैं पहले चौल में रहता था, चौल में पत्र वाला घर रहता ना, तो मेरे को हमेशा से ना अपने, मैं 2.5 साल में उसमें रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी वही सेम, तो मैंने तुम्हारा वो वीडियो देखा ना, मैं बोला ना बहुत सी चीज़ें सतीश भाई और मेरी ना सिमिलर काइंड ऑफ थोड़ा मेरे को लगी, इसलिए मैं हमेशा, मैं बहुत टाइम से मैं सोच रहा था सतीश भाई से मिलूँ, बात करूँ, थोड़ा दोस्ती टाइम करूँ, क्योंकि हम लोग काफ़ी सिमिलर एक्सपीरियंसेस से आए हुए हैं। पसंद नहीं था कि चौल में बुलाना, छोटा सा घर रहता है, उसमें दोस्तों को बुलाने में बहुत थोड़ा सही लोग जज करते हैं, ऑकवर्ड लगता है कि लाइफ खराब नहीं होती है बट लोग जज करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं था कि मेरी लाइफ बहुत खराब थी खाने पीने के बाद, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक घर का होता है ना कि मेरे पास एक अच्छा घर नहीं है, जहाँ मेरे को थोड़ा हेजिटेशन होता था अपने दोस्तों को बुलाने लाने, तो एक हमेशा से था कि घर लेना है एक, मतलब इस चीज़ से आप लोग सीख सकते हो कि कैसे हम लोग भी मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करके घर ले लिया। वैसे तो घर बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत सी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हो आप लाइफ में, बस बिलीव रखो और जो आप काम कर रहे हो उसमें करो। देखो आजकल क्या चल रहा है, जो मतलब नॉर्मली क्या ज़्यादा चल रहा है, सोशल मीडिया, वीडियोग्राफी, ये सब जो चल रहा है उसमें अगर आप मेहनत करोगे तो काफ़ी रिजल्ट्स मिलेंगे, और ऐसे छोटे छोटे सपने धीरे धीरे पूरे होते हैं। यानी और जो भाई ने बोली घर लेना कोई बड़ी बात नहीं, एक्चुअली नीड था हमारे लिए। हाँ। तो हमने लिया, अदरवाइज घर लेना कोई जरूरी नहीं था मेरे हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यूपी में भी घर है। हाँ। एंड यहाँ पे रह रहे हैं तो रेंट पे भी रह सकते थे, लेकिन मजबूरी थी, हम लोग बैचलर्स को जल्दी कोई रूम नहीं देता है। हाँ, ये भी होता है, तो इस वजह से मुझे लेना पड़ा, और खुद का एक स्टूडियो सेटअप करना था, तो रेंट वाले घर में पता नहीं वो लोग करने देते कि नहीं। नहीं, बहुत इश्यूज होती है। तो स्टार्टिंग में जब मैं भी जहाँ पे भी जब शूट नहीं मतलब रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग करो तो बहुत आवाज़ें आती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। अपना खुद का कोई अच्छा सा रहे भी, जैसे कितना अच्छा है, शांत है, अगर यही हम कहीं और रहते तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती थी। चलिए जीशान भाई, थैंक यू सो मच इतना इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर करने के लिए हमारे साथ और हमारे व्यूअर के साथ में। आई थिंक आप लोगों को भी वैल्यू मिला रहेगा इस वीडियो से, तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि जीशान भाई से आपको क्या सीखने मिला आज, और आप अपनी पहली बुक कौन सी ले रहे हो वो भी कमेंट करके बताओ। राइट राइट। एंड जरूर चेकआउट करना जीशान भाई के चैनल को, नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, इवन मैं कुछ अपने फेवरेट बुक्स का भी मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जरूर चेकआउट करना। मैं चाहता हूँ कि देखो यार, अगर हमारी ज़िंदगी बदल सकती है ना, तो लोगों की भी ज़िंदगी बदल सकती है अगर वो थोड़ा सा कोशिश करे तो। ज़रूर बदलेगी, ज़रूर बदलेगी। अपने हमेशा बिलीव रखो, बिल्कुल, और काम करते रहो अपने सपने में, नॉर्मल सी चीज़ है। तो जाते जाते कुछ बोलना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को? सो अपने साइड से मैं यही बोलना चाहूँगा, एक लास्ट मैसेज, एक हैबिट अपने अंदर डालो, वो एक हैबिट सब कुछ बदल देगी, वो है बुक रीड करने की हैबिट। अब अभी आप इतनी मोटी बुक देखोगे ना, तो आप मोटी बुक देख के डर जाओगे, बोलेगे यार मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इतनी बुक। ठीक है, मत पढ़ो पूरी बुक, क्या करो मालूम, हर दिन सुबह उठो या फिर सिर्फ उसका एक पेज, कोई भी बुक का एक पेज पढ़ लो, या फिर कुछ नहीं होता तो आप वीडियोज ही देख लो, कोई भी, जरूरी नहीं है मेरे चैनल से देखो, कोई भी चैनल से देखो, वीडियो देखो, उससे इंस्पायर हो और बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। यकीन करो ये एक हैबिट, यहाँ पे दो जीते जाते एग्जाम्पल है, और ऐसी पूरी दुनिया में करोड़ एग्जाम्पल है जिन लोगों ने बुक पढ़ के अपनी ज़िंदगी बदली है, आप भी बदल सकते हो। थैंक यू सो मच जीशान भाई एक बार फिर से। थैंक यू सो मच। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो। ओके, अभी स्कूल वर्ड कीवर्ड इसमें आया, तो मैं पूछना चाहूँगा कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड? नहीं, आपने वो बताया इंजीनियरिंग किया था, आपने छोड़ी स्टार्टिंग भी अभी स्टार्टिंग में क्यों कट कर दिया? ये सब कॉमन क्वेश्चन रहता है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि वैसे बिजनेस करना स्टार्ट करें, तो भले आज का टाइम इतना अच्छा है ना, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल वजह की वजह से आप
वीडियो मतलब कंटेंट क्रिएट करना तो बहुत आसान है बहुत और आप करना स्टार्ट कर सकते हो. जैसे मैंने कंटेंट करना स्टार्ट किया सिर्फ 5000 के इन्वेस्टमेंट में. बुक पढ़ा, उसकी नॉलेज ली, उसको कंप्रेस कर दिया और उसको एक एनिमेशन फॉर्मेट में यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कर दिया और उससे ही आप देखोगे तो आज मैं काफ़ी लाखों रुपये कमा रहा हूँ. और वो स्टार्ट किया था सिर्फ 5000 से.